दोस्तों, हम लोग जो विंडोज पीसी या फिर लैपटॉप को काम के दौरान यूज़ में लेते हैं, वहाँ पे कभी कभी हमें शॉर्ट ब्रेक भी लेना होता है। और उस समय कभी कभी तो हम हमारे विंडोज सिस्टम पे ऐसी टास्क को छोड़ के जाते हैं जिसमें हमें सिस्टम के पास प्रेजेंस रहना बेसिकली ज़रूरी नहीं होता है। अब इस बीच में आपने शायद नोटिस किए होंगे, कभी कभी हमारे सिस्टम स्लीप मोड पर चले जाते हैं और जो टास्क हमने छोड़ के गया था वो भी अधूरे रह जाते हैं। अब इसका जो मेन रीज़न है वो है हमारे सिस्टम का बिल्ट इन पावर सेविंग सेटिंग्स। इस सेटिंग्स का काम बेसिकली पावर को सेव करना होता है अननेसेसरी पावर यूजेज के दौरान। अब हो सकता है आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, आखिर विंडोज ये किस तरह से डिटरमिन करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, विंडोज सिस्टम यहाँ पे बेसिकली हमारे सिस्टम पे जो माउस एंड कीबोर्ड है उसके मूवमेंट को ट्रैक करते हुए ये अननेसेसरी पावर कंजम्पशन को डिटरमिन करते हैं। एज ए रिजल्ट कभी कभी हमारे सिस्टम ऑफलाइन मोड यानी कि स्लीप मोड पे चले जाते हैं। अब ये तो है बहुत ही बढ़िया फीचर, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि ये फीचर हमें बहुत ही परेशान कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको और परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं किस तरह से हम हमारे सिस्टम को ऑलवेज ऑनलाइन यानी कि स्लीप मोड पे जाने से रोक सकते हैं। वेल, अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं तपस पॉल, आप सभी को फिर एक बार बहुत स्वागत करता हूं टेक टिप्स एक्सप्रेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो इस काम को हम बेसिकली दो तरीकों से करके देखने वाले हैं। एक तो है बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज में लेते हुए, जिसमें हम विंडोज सिस्टम का डिफॉल्ट फीचर को यूज में लेते हुए ट्राई करेंगे। और दूसरा है एक फ्री थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज में लेते हुए। तो चलिए सबसे पहले विंडोज डिफॉल्ट फीचर को किस तरह से हम यूज में ले सकते हैं वो देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो विंडोज सर्च बॉक्स को ओपन कर लेना है और टाइप करना है कंट्रोल पैनल। फिर सर्च रिजल्ट में से कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर लीजिए। अब कंट्रोल पैनल विंडो ओपन होने के बाद इसका जो इंटरफेस है हो सकता है वो आपको कुछ इस तरह दिखाई दे। फिर आप यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन व्यू बाई और इसके पास एक ड्रॉप डाउन मेनू, आपको सिंपली इस पे क्लिक करते हुए लार्ज आइकन को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, अब इन सभी नए ऑप्शंस पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है पावर ऑप्शंस, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। अब स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए प्रेफर्ड प्लान्स जिसमें बैलेंस्ड सिलेक्टेड है और इसी के साथ यहाँ पे एक ऑप्शन चेंज प्लान सेटिंग्स, हमें जस्ट इस पे क्लिक करते हुए इसका जो सेटिंग्स है उसे चेंज कर लेना है और प्रॉब्लम फिक्स्ड। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन टर्न ऑफ द डिस्प्ले जो कि 10 मिनट्स पे रखा हुआ है। इसका मतलब अगर हमारे सिस्टम पे 10 मिनट्स से कोई भी कीबोर्ड या फिर माउस एक्टिविटी नहीं होता है देन हमारे सिस्टम का जो डिस्प्ले है वो ऑफ हो जाएगा। तो अगर आप ये नहीं चाहते हो देन आप इस ड्रॉपडाउन मेनू पे क्लिक करते हुए आपका पसंदीदा टाइम ड्यूरेशन को चूज कर सकते हो। फिलहाल मैं नेवर को चूज कर लेता हूँ। एज ए रिजल्ट हमारे सिस्टम का जो डिस्प्ले है वो कभी भी ऑफ नहीं होगा जब तक कि हमारे सिस्टम स्लीप मोड पे चले ना जाए। तो इसके लिए हमारे पास और एक ऑप्शन है जो कि है पुट द कंप्यूटर टू स्लीप और यहाँ पे देखिए यह 30 मिनट्स पे सेट है, यानी कि अगर हमारे सिस्टम पे 30 मिनट से कोई भी कीबोर्ड या माउस मूवमेंट नहीं होता है देन हमारे सिस्टम स्लीप मोड पे चला जाएगा। तो ये टाइम ड्यूरेशन को चेंज करने के लिए आपको सिंपली इस ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हुए आपका पसंदीदा टाइम फ्रेम को चूज कर लीजिए। फिलहाल मैं नेवर को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम कभी भी स्लीप मोड पे चला जाए। अब अगर आप भी चाहते हो आपका सिस्टम ऑलवेज ऑनलाइन पे रहे जब तक कि आप खुद से सिस्टम को शट डाउन ना कर दो देन आपके लिए भी दोनों सिचुएशन पे ही ये नेवर ऑप्शन बेस्ट रहेगा। ओके, फाइनली इस चेंज को सेव करने के लिए सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है एंड वी आर डन। अब हो सकता है आप एक लैपटॉप यूजर हो तो उस समय सेटिंग्स पैनल पे दो ऑप्शंस की जगह आपको चार ऑप्शंस देखने को मिलेगा कुछ इस तरह। फिर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी सेम है, जब लैपटॉप डायरेक्टली बैटरी को यूज में लेते हुए चलेगा तब क्या होगा और जब डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलेगा तब क्या होगा। तो यह से अब आपका पसंदीदा टाइम फ्रेम को पिक कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब अगर आपको ऑलवेज ऑनलाइन पे रहना है देन आप ये सभी ऑप्शंस को नेवर पे सेट कर लीजिएगा। फिर सेव चेंजेस।
अब अगर आप कभी भी चाहते हो इस सेटिंग्स को पहले जैसे करना, देन उसके लिए इस जगह पे ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग्स फॉर दिस प्लान। आपको जस्ट इस पे क्लिक कर लेना है और फाइनली यस। तो अब आप देख सकते हैं सेटिंग्स जो हैं वो पहले जैसे ही बन चुके हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हम हमारे विंडोज सिस्टम का डिफॉल्ट फीचर को यूज में लेते हुए हमारे सिस्टम को स्लीप मोड पर जाने से रोक सकते हैं। ओके, अब चलिए एक फ्री थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज में लेते हुए हम इस काम को किस तरह से कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो इस काम को करने के लिए हम यूज में लेंगे माउस जिगलर सॉफ्टवेयर का। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको आ जाना है इस वेब पेज पे। वेबसाइट लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा जहाँ से आप इस पेज पे डायरेक्टली लैंड कर सकते हो। ओके, तो इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक डाउनलोड बटन देखने को मिल जाएगा, आपको जस्ट इस पे क्लिक कर लेना है। अब यस है, आप चाहे तो इस सॉफ्टवेयर का जो इंस्टॉलर वर्शन है उसे डाउनलोड कर सकते हो या फिर पोर्टेबल वर्शन को। इस केस में मैं पोर्टेबल वर्शन को डाउनलोड कर लेता हूँ। एज ए रिजल्ट मुझे इस सॉफ्टवेयर को मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक कि यह डाउनलोड स्टार्ट ना हो जाए। ओके, तो डाउनलोडेड फाइल आपको एक zip फाइल में देखने को मिलेगा। अब इसे हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके लिए आप 7-zip या फिर विनर को यूज में ले सकते हो। ओके, तो अब हमें एक्सट्रैक्ट की हुई फोल्डर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे माउस जिगलर का जो एप्लीकेशन फाइल है इस पे डबल क्लिक करते हुए इसे रन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बिना ही यहाँ पे रन हो चुके हैं और इसका जो इंटरफेस है वो इतना सिंपल सा है। ओके, अब मान लीजिए हम नहीं चाहते हैं कि हमारा सिस्टम स्लीप मोड पे चले जाए जब तक कि हम खुद से सिस्टम को शट डाउन ना कर दें। तो इस सिचुएशन पे हमें जस्ट ये जिगलिंग ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारा माउस कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली मूव हो रही है। एज ए रिजल्ट हमारा सिस्टम अब जाते हुए भी स्लीप मोड पे नहीं जा पाएगा। यहाँ पे हो सकता है आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, क्या ये हमारा काम में डिस्टर्ब तो नहीं करेगी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा जी बिल्कुल नहीं, आप बिना किसी परेशानी के अपना काम को कर सकते हो। ओके, अब सेटिंग्स को ट्विक करने के लिए हमें सेटिंग्स ऑप्शन को भी इनेबल कर लेना है। अब ये जो स्क्रॉल बार है इसे यूज में लेते हुए आप माउस मूवमेंट ड्यूरेशन को इजिली मैनेज कर सकते हो कुछ इस तरह। देन नेक्स्ट ऑप्शन जिन जिगल, अगर हम इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं फिर माउस मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देगा लेकिन ये सिस्टम के बैकग्राउंड प्रोसेस पे चलता रहेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिनिमाइज ऑन स्टार्ट, ये ऑप्शन तब हमारा काम का है जब हम बेसिकली इस सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलर वर्जन को यूज में लेंगे। उस समय अगर हम इस ऑप्शन को इनेबल करते हुए यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देते हैं देन ये सॉफ्टवेयर डायरेक्टली सिस्टम ट्रे पे चला जाएगा। अब क्योंकि हम पोर्टेबल वर्जन को यूज में ले रहे हैं तो हम यूज में ले सकते हैं इस डाउन एरो आइकन का। तो आप देख सकते हैं ये सिस्टम ट्रे पे आ चुके हैं। ओके, अब मान लीजिए मैं चाहता हूं इस सॉफ्टवेयर का जो एक्टिविटी है उसे बंद करना, तो इस केस में हमें सिंपली जिगलिंग ऑप्शन को डिसेबल कर देना है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हम विद सॉफ्टवेयर एंड विदाउट सॉफ्टवेयर दोनों तरीकों को यूज में लेते हुए हमारे सिस्टम को ऑफलाइन मोड यानी कि स्लीप मोड पर जाने से रोक सकते हैं ताकि हमारा सिस्टम हमेशा ऑनलाइन पे ही रहे और काम भी ना रुके। है ना बहुत इंटरेस्टिंग? आप भी एक बार ट्राई जरूर करें और नीचे कमेंट में शेयर जरूर करें आपको कौन सा मेथड ज़्यादा पसंद आया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाकर भी बता सकते हैं और इसी तरह हेल्पफुल वीडियोज की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।